ओम शांति। आज बाबा की 4 दिसंबर की मुरली सुनेंगे। बाबा ने आज हम बच्चों को बहुत सुंदर शिक्षाओं से श्रृंगारित किया है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करते हैं। उच्च पद पाना है तो सदा ज्ञान से श्रृंगारे हुए रहो। बाबा कितना अच्छी रीति बच्चों का श्रृंगार करते हैं, तो बच्चों को भी कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। ये ज्ञान ही आत्मा का सच्चा सच्चा श्रृंगार है। तो क्या अटेंशन रखेंगे? बाबा की रोज की मुरली जो हम सुनते हैं, ये मुरली का एक एक महावाक्य बहुत वैल्यूएबल है। जैसे बाह्य श्रृंगार करने से शरीर सुंदर लगता है ना, वैसे इन ज्ञान की बातों को धारण करने से आत्मा में निखार आ जाता है, आत्मा पावन बन जाती है। तो रोज रोज स्वयं भगवान आकर के मुझ आत्मा का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद उनको कितना संभालना होता है ना, कहीं मेरा श्रृंगार बिगड़े नहीं। तो बाबा के मुरली के महावाक्यों को भी जब हम सुन लेते हैं, बुद्धि में याद रखें, धारण करके रखें, और इससे ही हमारी आत्मा मनुष्य से देवता बन जाती है। तो हम बड़े प्यार से अपना श्रृंगार कराते रहे, जो कमी कमजोरियां है उसको हम निकालते रहे। बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे तुम्हें बाबा कितना मीठा वर्षा देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, मंदिर लायक बना देते हैं, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी है। एकांत में बैठकर हम अपने आप से ये बातें करें, हे आत्मा, बाबा तुम्हें कितना मीठा बेहद का वर्षा दे रहे हैं। एक तो है भविष्य का वर्षा और दूसरा संगम में, अभी इस जीवन में प्रैक्टिकल भी हमें कितनी प्राप्तियां होती है। बाबा से प्यार, शक्ति, आनंद, श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति मिलती है ना, तो इस वर्षे को याद करेंगे और अपने आप से एकांत में बैठकर बातें करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें जब जब समय मिले हम और कोई बातों का व्यर्थ चिंतन नहीं करें, हम अपने आप से बातें करें। कर सकते हैं ना? बाबा आज सिखा रहे हैं, बच्चे ऐसे बातें करो, हम कितने महान बन रहे हैं, बाबा हमें मंदिर लायक बनाते हैं। मंदिर में जब मूर्ति को रखा जाता है तो उसको कितना तैयार किया जाता है ना, पत्थर से ठोक ठोक के सुंदर मूर्ति बनाई जाती है, फिर उसको श्रृंगारा जाता है। तो बाबा की शिक्षाएं हमें अपने मन बुद्धि में से बुराइयों को निकालकर एक सुंदर देवी गुण वाली मूर्ति बनाती है, जिससे हम मंदिर में पूजनीय लायक बनते हैं। बाबा आप आकर हमें मिले हो, देखो बातें कैसे करनी है, बाबा और सिखाते हैं। बाबा आप आकर हमें मिले हो, आप तो सबसे मीठे हो, सुखदाई है ना। दुनिया में भी दुख आता है तो सब भगवान को ही याद करते हैं, क्योंकि बाबा सुखदाई है, मीठे है,
बाबा आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे? आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है ना? आप तो हमें कितना बड़ा वर्षा देते हो। बाबा प्रेम के सागर, शांति के सागर, तो मुझ आत्मा को भी प्रेम शांति का मास्टर सागर बनना है। तो आज ये सोचेंगे, मेरे पिता इतने महान, मुझे भी इतना महान बनना है। बाबा कहते हैं ये पाठशाला है, अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तीनों को जान गए हो। इतनी छोटी सी आत्मा कैसे पार्ट बजाती है ये भी जान गए हो। देखो बाबा स्मृति दिलाते हैं, बच्चे क्या क्या जान गए हो, इनका भी नशा हो। ये बना बनाया अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है। ड्रामा कैसे फिरता रहता है यह तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें संशय की कोई बात नहीं। बाबा तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन ये चक्र फिरता रहे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अंडरलाइन, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। देवताओं को भी चक्र दिखाते हैं ना, जब जब जहां आसुरी वृत्तियां दिखाई देती है तो दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से असुरों का नाश किया गया। ये किसकी यादगार है? हमारी श्रेष्ठ स्थिति की यादगार है कि जब भी कोई बातें हमारे सामने आए, कोई आत्माएं ऐसे गलत व्यवहार करे, तो हम स्व के दर्शन के द्वारा, श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा, ज्ञान युक्त चिंतन के द्वारा ये चक्र फिराए। चक्र फिरना माना कोई स्थूल चक्र फिराने की बात नहीं है, मन के अंदर ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन चले, वो भी स्व के प्रति ही। इसलिए कभी कभी सुदर्शन भी कहते हैं, अर्थात श्रेष्ठ चिंतन चले। तो कैसी भी विकारी वृत्ति पर हम विजय पा सकेंगे? तो बाबा आज हम बच्चों को नशा दिला रहे हैं। बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो ना, तो उसको बार बार रिवाइज करो। तो जो बाबा की मुरली की बातें हम रोज सुनते हैं, उनको एकांत में बैठकर हम रिवाइज करें, मनन करें, आज बाबा ने मुझ आत्मा को क्या शिक्षा दी। जैसे आगे बाबा ने कहा, बच्चे श्रृंगार करते हैं ना बाबा, इतना ऊंचा वर्षा मिलता है ना, तो ये सोचने से ही अंदर में खुशी आ जाएगी। तो आज से हम क्या पक्का करें कि मुझे स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, गलती से भी पर दर्शन नहीं करना है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, तुम डबल अहिंसक बनते हो। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, और कोई युद्ध की बात नहीं है। अब बाबा तुम्हें ऊंचे से ऊंच वर्षा दे रहे हैं, तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच बनते हो। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। कल्प कल्प तुम्हारी ये पढ़ाई चलती रहती है, अच्छा पुरुषार्थ किया तो ऊंच पद प्राप्त होगा। ऊंच पद पाना है ना, आत्मा को श्रेष्ठ स्थिति तक ले जाना है, तो अच्छा पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ आज बाबा ने कौन सा पक्का कराया? एक तो ज्ञान से श्रृंगारित रहना है,
अपने से एकांत में बैठकर ज्ञान की बातें करनी है, शिव बाबा से बातें करनी है, अपने से करनी है। और तीसरी बात, बाबा ने कहा बच्चे स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, अपने अंदर रहे हुए विकारों पर विजय पानी है। तो आज अपनी चेकिंग करेंगे, मेरे अंदर कौन कौन से विकार अभी भी जागृत हो जाते हैं। बड़े विकार तो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन उनके साथ साथ सूक्ष्म विकार भी है, आलस्य है, ईर्ष्या है, नफरत है, बदले की भावना है, निराशा है। ये सारे विकारों में से मेरे अंदर कौन सा विकार बार बार आ जाता है, उसकी चेकिंग करेंगे। फिर स्वदर्शन, ज्ञान के चिंतन से, बाबा की याद से इस विकार पर हम विजय प्राप्त करेंगे। बाबा कह रहे हैं बच्चे, कोई बीमार पड़ते हैं वा शरीर छोड़ देते हैं, तो तुम्हें समझाना है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है, इसमें रोने की दरकार नहीं है। अपने शरीर पर आत्मा, अपने समय पर आत्मा शरीर छोड़ देती है, आत्मा आपे ही एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है, तुम्हें ये समझ होनी चाहिए। अपने से भी पक्का करेंगे, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, वो एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। कोई भी आत्मा के हिसाब किताब, लेन देन खत्म होता है परिवार के साथ, तो वो एक परिवार से निकल दूसरे परिवार में जाती है, दूसरा जन्म धारण करती है। तो हमें रोना नहीं है, रोने से उस आत्मा को भी दुख के वाइब्रेशंस मिलते हैं। हम ये सोचें कि आत्मा एक शरीर छोड़ अभी अपने नए जीवन की शुरुआत करती है। फिर बाबा पक्का करा रहे हैं, आत्मा बाबा की याद से पवित्र बनती है। अगर उस पर विकारों की जंक चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। चुंबक कौन है? शिव बाबा। बाबा की याद तभी रहेगी जब विकारों की जंक को हम निकाल देंगे। इसके लिए तुम्हें पवित्र बनकर अपने योग बल को बढ़ाना है। बेहद का बाप मिला है ना, शिव बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। बच्चे तुम्हें मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। अब संगम युग पर तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे तुम्हें इतनी ही ऊंची प्रालब्ध मिलेगी। संगम युग है ना, प्रालब्ध पाने का युग है। तो हम जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे, एक का अनेक गुना हमें फल बाबा देते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, बाबा बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं। बाबा को प्यार से याद करना है, सद्गुरु का निंदक नहीं बनना है। कहते हैं ना, सद्गुरु का निंदक ठोर न पाए। इसका अर्थ क्या हुआ? बाबा सद्गुरु बन करके हमें जो शिक्षा देते हैं, उन शिक्षाओं को धारण करना है। अगर फिर कोई विकर्म कर लेंगे तो फिर तो विकर्म होना माना निंदा कराना, तो हम अटेंशन रखेंगे। हमें बाबा, शिव बाबा सतगुरु बनकर पढ़ाते हैं, तो हमें इतने ऊंचे कर्म करने हैं कि हम शिव बाबा का नाम बाला कर दे, है ना। स्टूडेंट को भी तो रहता है,
कि हम अपने टीचर का नाम बाला करें, अच्छे मार्क्स ले, तो हम भी आज ये लक्ष्य रखेंगे कि बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको हम धारण करेंगे। ज्ञान रत्नों से तुम्हें अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरना है। 7 दिन का कोर्स लेकर भी कहां पर भी रहकर मुरली के आधार पर चल सकते हैं। मुरली से ही तुम ज्ञान के राज को समझ सकते हैं। तुम्हें औरों को भी ये राज समझाना है। बाबा की मुरली अथाह खजाना है। इतना गहराई से बाबा हमें समझाते हैं तो रोज रोज मुरली पढ़ कर के अगर हम कहीं बाहर भी गए, बाबा कहते कहां पर भी हो, बाबा की मुरली के आधार से आप ज्ञान के राजों को जान सकते हैं। अब तुम बच्चों को ये याद रखना है, हमें वापस घर जाना है। घर जाने की स्मृति रहे। आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। घर तो पवित्र है ना, तो पवित्र घर में आत्मा पवित्र बने बिगड़ जा नहीं सकती है। तो लक्ष्य रहे, बाबा को याद करके मुझे स्वयं को पवित्र पावन बनाना है। यह रूहानी पढ़ाई है, आत्मा को बाबा पढ़ाते हैं ना, इसलिए पुरुषार्थ से श्रेष्ठ पद पाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। तो आज क्या पाठ पक्का करेंगे, स्वयं से ही हम ये दृढ़ संकल्प करें। बाबा कह रहे हैं बच्चे, किसी भी बात में तुम्हें आंसू नहीं बहाने हैं, रोना नहीं है। जितना जितना स्वदर्शन चक्र फिराते जाएंगे, आत्मा में ताकत आ जाएगी, तो हम रोने से मुक्त हो जाएंगे। फिर बाबा आज हमें वरदान दे रहे हैं। आज वरदान मिल रहा है मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, हम उनके बच्चे, हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है वो बाबा बताते हैं। मनन शक्ति के द्वारा अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। मनन शक्ति हमारी बुद्धि की खुराक है। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ, ज्ञान की पॉइंट को स्मृति में लाओ, फिर उसके ऊपर मनन करो। तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, बुद्धि दिव्य बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। बुद्धि से ही तो हम निर्णय लेते हैं ना। तो क्या अभ्यास करेंगे, अमृत वेले उठकर रोज एक बाबा की पॉइंट स्वमान के रूप में ले, और दिन भर में बाबा की बातों का मनन चिंतन, तो बुद्धि दिव्य बन जाएगी। और दिव्य बुद्धि ही बाबा की याद में एकाग्र रह सकेगी, सही निर्णय ले पाएगी, और हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। बाबा की इन आज्ञाओं का पालन करने से दुआएं मिलेगी। तो आज बाबा ने कितने गहरे इशारे हमें दिए, सारे दिन में इन सभी बातों को पक्का करेंगे। तो अब फिर से अपने मन को एकाग्र कर दे। मैं चमकती ज्योति आत्मा। आज बाबा ने मुझे पक्का कराया, तुम्हें ज्ञान से श्रृंगारित रहकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है।
मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना है। सबको दुआएं देना है और सदा ही आत्मा समझ याद की यात्रा में रहने का पुरुषार्थ करना है। सारे दिन में बाबा के इन इशारों को याद रखेंगे और आत्मा को श्रृंगारित रखेंगे। ओम शांति।